नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले कई वादे किए, जैसे धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करना, बजरंग दल पर बैन लगाना, हिजाब पर लगी रोक को हटाना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक चुनावी वादा राज्य के धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त करने की घोषणा की गई है, जिसे लोकप्रिय रूप से धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जो पिछले वर्षों के दौरान लागू किए गए कानूनों में सबसे विवादित भी रहा है। इसी के नाम पर लव जिहाद जैसे बोगस कहानियों को फैलाकर आए दिन हिंसा भी देखी गई है। अभी का उदाहरण ले तो उत्तराखंड के ही मामले को ले लेते हैं। मुसलमानों का उसमें पलायन कराया जा रहा है, वहीं सिलेबस में इतिहास से छेड़छाड़ करने को लेकर गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलावों को वापस लाने का भी फैसला किया है, जिसमें हिंदुत्व विचारधाराओं पर पाठ शामिल हैं। दोनों विधेयकों को 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में प्रायोगिक तौर पर पेश किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अभी अन्यायपूर्ण और जन विरोधी कानूनों को रद्द करने का वादा किया था। जब वे विपक्ष के नेता थे, तब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई बार दोहराया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया जाएगा। विवादों में रहे इस अधिनियम ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक गर्मी पैदा कर दी थी। उस समय कांग्रेस और ईसाई समुदाय दोनों ने इसका कड़ा विरोध जताया था। वहीं सिलेबस में बदलाव को लेकर मंत्रिमंडल ने आरएसएस के संस्थापक के बी हेगड़ेवार और हिंदुत्व विचारक वी डी स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से सावरकर, साथ ही दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चक्रवर्ती सुलेबेले द्वारा लिखित एक पाठ जिसे इस शैक्षणिक वर्ष से पाठ्य पुस्तक में जोड़ा गया था। दूसरी ओर इसमें सावित्री बाई फूले, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे उस विषय को हटा दिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा इस तरह के फैसले बताते हैं कि 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस जुट गई है। इसी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में तब जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।